आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आने वाली हैं और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलटी ग्रेड के सभी विषयों का सिलेबस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलटी ग्रेड गणित विषय का सिलेबस कंप्लीट डिटेल्स के साथ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और जो टॉपिक यहाँ पर नहीं दिए गए उनको भी छूना भी नहीं है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर पेपर बहुत लेंदी होता है, क्योंकि आप केवल देख करके ही सवाल को टिक नहीं कर सकते, उसको सॉल्व भी करना पड़ता है और यही एक रीज़न है कि यहाँ पर जो है स्कोर काफ़ी कम होता है। ठीक है, स्कोर कम रह पाने के कारण यहाँ पर जो है बहुत से अभ्यर्थी जो है वो नहीं मतलब क्वालिफाई हो पाते। तो यहाँ पर प्रॉपर आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपकी जो स्पीड है यानी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। तो पहले से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब तक इस सीरीज के अंतर्गत हमने हिंदी विषय, विज्ञान विषय, कला विषय, कंप्यूटर सब्जेक्ट, इन सब इन विषयों पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और जो बाकी विषय हैं उनको धीरे धीरे वीडियो आपको हर एक दो दिन में मिलते जाएंगे। तो फिलहाल आज हम डिस्कस करते हैं गणित का कंप्लीट सिलेबस। वीडियो हमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका पैटर्न क्या रहता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी पहली बार एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए पैटर्न पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए एलटी ग्रेड में केवल एक ही पेपर होता है, केवल एक ही लिखित परीक्षा होती है, एक ही पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो निश्चित रूप से सिर्फ अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हो तो एक पेपर से आप यहाँ पर जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। पेपर में टोटल क्वेश्चन होंगे 150 और 150 का पूरा अंक भी रहेगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर निर्धारित किया गया है। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का यानी 120 मिनट का। तो अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपको लगभग 40 से 45 सेकंड ही मिलेंगे और इसमें क्वेश्चन को आपको पढ़ना भी है, उसको सॉल्व भी करना है, उसको ब्लैक भी करना है मार्कशीट पे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए तभी यहाँ पर आप सिलेक्शन मानिए। अब यहाँ पर देखिए जो पेपर आपका होगा वो पेपर 2 खंड में डिवाइड होगा। पहला जो खंड होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, इसमें 30 प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। दूसरा पेपर यहाँ पर मुख्य विषय का होता है, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किया उस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर उससे संबंधित 120 प्रश्न होते हैं। तो कुल प्रश्न होगा 150 और समय हो गया 2 घंटे का। ठीक है, अब मैं अभी आपको सामान्य अध्ययन का सिलेबस बता दूंगा और आपके गणित का सिलेबस बता दूंगा। तो दोनों चीज़ आप पढ़िए और दोनों को उसी के अनुरूप तैयारी करिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गणित विषय का सिलेबस आपको दिख जाएगा। तो गणित विषय में सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है, पहले जो है बीजगणित। बीजगणित में क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर देखिए। समीकरण सिद्धांत, समांतर गुणोत्तर एवं हरात्मक श्रेणियाँ, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग, क्रमचय एवं संचय, द्विपद प्रमेय, चरघातांकी एवं लघुगणक की श्रेणियाँ, ये आपको 11th-12th की बुक में मिल जाएगा सारा कुछ। इसके बाद समुच्चय का बीजगणितीय संबंध एवं फलन, संबंधों के प्रकार, तुल्यता संबंध, फलनों के प्रकार, फलनों का संयोजन, प्रतिलोम फलन, समुच्चय पर द्विआधारी संक्रियाएं, समूह यानी ग्रुप, सब ग्रुप, प्रसामान्य समूह, आंशिक समूह, चक्रीय समूह, समूह के अवयव की कोटि, क्रमचय समूह, सम एवं विषम क्रमचय, लैग्रेंज थ्योरम और इसके परिणाम, सामूहिक समकारिता। इसके बाद मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट होगा, ये इस पर टॉपिक सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिटी एंड जो ऑड हर्मिटी मैट्रिक्स होते हैं क्या होते हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, मैट्रिक्स की जाति क्या होती है, ये सब टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। मैट्रिक्स का अनुप्रयोग हो गया, ठीक है, आइगन वैल्यू, आइगन फलन, आइगन फंक्शन, कैले हैमिल्टन थ्योरम, अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। इसके बाद दूसरा यहाँ पर जो मैथ है वो आपका वास्तविक विश्लेषण, इसमें रियल जो एनालिसिस होता है वो चीज़ यहाँ पर है। तो वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम, परिबद्ध में एकदिष्ट अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम, धनात्मक पदों की श्रेणियाँ का विसरण, तुलनात्मक परीक्षण,
कोची एंथ फॉर टेस्ट, ठीक है, अनुपात परीक्षण, रबे परीक्षण, लघु गड़की हुआ, दी मॉर्गन एवं बाइटेंड परीक्षण, एकांतर श्रेणी, लेबनिज टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। फिर आ जाता है वेक्टर एनालिसिस, इसमें सदिशों पर संक्रियाएँ, दो और तीन जो वेक्टर होते हैं उनका अदिश गुणन और सदिश गुणन, उनके अनुप्रयोग, ठीक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आ जाता है सम्मिश्र विश्लेषण, यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, एक सम्मिश्र चर के फलन, डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसके अनुप्रयोग, इकाई का एनएमए फार्मूला, एक सम्मिश्र फलन के चर घातांकीय सीधे एवं व्युत्क्रम, त्रिकोणमिति, हाइपरबोलिक, लघुगणकीय फलन, सम्मिश्र फलनों की सांद्रता एवं अवलोकनीयता, अवकलनीयता, कासी रीमान इक्वेशन, वैश्लेषिक फलन, प्रंसवादी फलन, ये टॉपिक रहेंगे। इसके बाद आता है आपका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में देखिए फलन जो लिमिट होती है, ठीक है, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिबिलिटी, ठीक है, रोल्स थ्योरम, फिर लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय, लापिताल नियम, उत्तरोत्तर अवकलन, स्पर्शीय अभिलंब यानी टेंजेंट, और जो नॉर्मल वाला चैप्टर है, ठीक है, उच्चिष्ट निम्निष्ठ हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, और ये चीज़ें यहाँ पर देखो दी गई हैं, इनको सबको आपको पढ़ना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। इसके बाद देखिए आपके पास ज्योमेट्री आ जाती है, ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, द्विघात के व्यापक समीकरण, इसका रेखा युग्म, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय के रूप में वर्गीकरण, अति परवलय के अनंत स्पर्शी, मूल बिंदु का विस्थापन, निर्देशांक अक्षों का घूर्णन, रेखा की दिक्कोज्याएँ, अधिक अनुपात, समतल का कार्तीय एवं सदिश समीकरण, रेखा का कार्तीय एवं सदिश समीकरण, समतलीय एवं असमतलीय रेखाएँ यानी प्लेनर नॉन क्लोम प्लेनर जो रेखाएँ होती हैं, दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं, दो समतलों के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच एक रेखा एवं एक समतल के बीच कोण, एक बिंदु के समतल बिंदु से दूरी, फिर हो गया स्फेयर, कोण, सिलेंडर, ये सब चीज़ें पढ़नी है। लास्ट यहाँ पर टॉपिक है आपका सांख्यिकी एवं प्रायिकता, इसमें बारंबारता, बंटन क्या है, सांख्यिकी आंकड़ों का आलेख, ये निरूपण हो गया। इसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, सामूहिक तथा असामूहिक आंकड़े के माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रायिकता के योग, गुणन की प्रमेय, तो ये टॉपिक यहाँ पर सात कुल मिलाकर के सात प्रकार की मैथ यहाँ पर अजय, जो कि मैंने बताया अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्री, और इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा जीएस के सिलेबस के बारे में, क्या आखिर जीएस में क्या क्या पढ़ना है। तो जीएस का भी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर आप लोग दे सकते हो, ये आपका जीएस का सिलेबस है। इसमें देखिए सबसे पहले तो भारत का राष्ट्रीय एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, ये टॉपिक रहेगा पूरा। फिर भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे, ये पढ़ना है। अगला टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर में खेलकूद वगैरह पढ़ना रहेगा। भारतीय कृषि में कृषि, कृषि उत्पाद, विपणन, ये पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में सारी चीज़ें आपको आएंगी, जिसमें भौतिक, रसायन, जीव, सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद प्रारंभिक गणित हाईस्कूल स्तर तक का पढ़ना है, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। साथ में उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर हो गया गणित का, ठीक है। तो उम्मीद कर दूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप जानना चाहते हैं, जिस भी भर्ती का जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। और हाँ, इसके PDF डाउनलोड करना हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप लोग GovernmentJobCenter.com से भी सिलेबस के सेक्शन में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं।